ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਲਵਾ ਤੇਰਾ ਫੈ ਖੁਦਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों कमाल का ट्यूटोरियल सिखाने दोस्तों आज की। दोस्तों तो अगर आप जो है कि यहाँ जो देख रहे हैं वीडियो कुछ इस प्रकार से वाला वीडियो, तो अगर आप ये वाला वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट किया, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये जो वीडियो टिकटॉक पे देखा दोस्तों, तो इस पे जो कि बहुत सारे कमेंट्स आए दोस्तों कि ये वीडियो बताओ कैसे बनाया भाई, किस प्रकार से आपने बनाया। तो दोस्तों आपको मैं यही वीडियो बताऊंगा किस प्रकार से आप अगर टिकटॉक वीडियो या फिर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट किया, ठीक है। तो आपको मैं यही वीडियो बनाना सिखाऊंगा दोस्तों। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पीके चौहान, मैं सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं दोस्तों इसी चैनल पे दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आइए हम बताते हैं किस प्रकार से आप ये वाला वीडियो बनाएंगे दोस्तों। आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से एक्टिंग कर लेना, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने एक्टिंग किया। तो और एक यहाँ करना, दो वीडियो आपको शूट करना है और एक ही फ्रेम पे करना है दोस्तों। मेरा वीडियो जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, बिना हिलाए डुलाए मोबाइल को यहाँ पर स्थापित कर देंगे, आप अच्छे से रख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप उसी पर दो वीडियो शूट करना दोस्तों, एक इस साइड में कर लेंगे एक उस साइड में कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको सिंपली तरीके से एक्टिंग कर लेना है, जो मैंने किया जो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैंने किया, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आप भी इसी प्रकार से कर लेंगे दोस्तों। इतना करना दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना दोस्तों कि आपको दो एप्लीकेशन चाहिए दोस्तों, एक पैन मास्टर एप्लीकेशन, एक बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन। उन दोनों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया दोस्तों, आप वहां जाके बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आइए हम बताते हैं किस प्रकार से आप एडिटिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए अपने मोबाइल से दोस्तों, तो मोबाइल से जाने पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए अपने मोबाइल से चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने मोबाइल से। मोबाइल स्क्रीन पर आने पर सिंपली हमने अपना काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। तो आप भी इसी प्रकार से ओपन कर लेंगे। ओपन करने से आपको मैंने बताया था कि एक ही बैकग्राउंड पे आपको दो वीडियो शूट करना है दोस्तों। तो आप ठीक इसी प्रकार जो मैं अपने को वीडियो अभी प्ले करके दिखाऊंगा, तो आपको अपना मोबाइल जहाँ पर रख देना दोस्तों। आपको मैं बता दे रहा हूँ, मोबाइल आप जहाँ पर रख देंगे, आपको अपना मोबाइल हिलाना डुलाना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप उसी प्रकार से कर लेंगे दोस्तों शूट, ठीक है। तो आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से आप वीडियो अपना शूट करेंगे। तो आप तो आ सकते हैं, सिंपली मैंने पहले इस साइड में किया था दोस्तों एक्टिंग, ठीक है। तो आप जिस भी प्रकार से करना चाहते हैं इस साइड में एक्टिंग, उस साइड की कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने एक्टिंग किया है, तो आप भी इसी प्रकार से कर लेंगे दोस्तों। करने के बाद तो आपको यहाँ पर मैंने दिखाया, तो आपको सिंपली यहाँ से उड़ जाना, उड़ के जाना है, फिर आपको मोबाइल हिलाना डुलाना नहीं दोस्तों। तो आपको उसी पर अपना वीडियो एक और शूट करना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ से अपना किया, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं चला गया फिर इस वाले में। तो आप देखते हैं मैं साइड में चला गया हूँ दोस्तों। तो आप भी इसी प्रकार से अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था अपना वीडियो शूट। तो आपको सिंपली इसे जब अपना करेंगे तो आपको जो इसका बैकग्राउंड है दोस्तों, ठीक है, जब खाली रहे दोस्तों बैकग्राउंड, तभी आपको इसी वीडियो में से ही अपना फोटो एक ले लेना है दोस्तों इसका। तो फोटो लेंगे दोस्तों, आपको सिंपली वीडियो क्लिक करना, क्लिक करते दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली एक इस प्रकार का आइकन दिखा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर चार ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो चार ऑप्शन सबसे पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका एक फोटो खींच जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना करना दोस्तों आपको ये हो गया। तो आपको जहाँ से अपना वीडियो ये क्रॉप करना है दोस्तों, जैसे इस साइड में जो दिखाना चाहते हैं, तो आप इसे अच्छे से इतना क्रॉप कर लेंगे दोस्तों, देख सकते हैं बस। तो आपको सिंपली इसे काट लेना दोस्तों। तो आपको काटने के लिए दोस्तों वीडियो क्लिक करना, क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे सीजर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो सीजर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, कैंची निशान जो है दोस्तों, तो आपको इस पर क्लिक करते हैं, आपको स्लिप्ट एड प्लेहेड पे क्लिक कर देना दोस्तों। देख सकते हैं किस तरह स्थान पे है, तो आपको इस पर क्लिक करते हैं, वीडियो अलग हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो आपका वीडियो अलग हो चुका है। फिर उसके बाद तो यहाँ से आप अच्छे से जब इस साइड में गए हैं, फिर यहाँ से क्रॉप करके अच्छे से इसे, तो आप यहाँ से इसे भी क्रॉप कर लेंगे। तो इसे वीडियो क्लिक करेंगे, क्लिक करते दोस्तों आपको कैचर निशान पे क्लिक करना होगा दोस्तों। क्लिक करते ही दोस्तों आपको सबसे ऊपर वाले ट्रिम टू लेफ्ट प्लेहेड पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको वीडियो क्रॉप हो जाएगा। जैसे देखिए इतना बचा है, तो आपको सिंपली एक एक वीडियो शूट कर एक एक वीडियो अपना सेव कर लेना दोस्तों, ठीक है। आप इसी प्रकार से सेव कर सकते हैं, मैं पहले सेव कर चुका हूँ। तो आपको सेव कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर जो है दिया है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन देगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको इस पर क्लिक करके अपना सेव कर लेना दोस्तों। तो मैं पहले कर चुका हूँ दोस्तों, तो मैं आपको जो पहले फोटो लिया हूँ दोस्तों, तो वो वाला फोटो मैं लेकर आपको वीडियो बनाना सिखाता हूँ दोस्तों। तो आप सिंपली क्या करें, पहले फोटो लेना है आपको सिंपली, ठीक है। तो आप इसे डिलीट कर देते हैं पहले, तो बस ना हो गया आपका ये, पहले आप अलग करेंगे वीडियो को, ठीक है। अलग करने में तो आपको अच्छे से बना लेना है, फिर आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों कि मीडियम लेना दोस्तों, आपको फोटो लेनी है मीडियम जाएंगे, मीडियम लेना दोस्तों कैप्चर में देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक। तो आप यही वाला ले सकते हैं, देख सकते हैं मैं पहले ही ये किया था। तो आप देख सकते कुछ इस प्रकार से मेरा बैकग्राउंड खाली नहीं था दोस्तों, इसीलिए मैं भूल गया था। आप जब बैकग्राउंड खाली रहे तभी अपना वीडियो ले लेंगे यहाँ से, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा यही है दोस्तों, तो आप भी इसी प्रकार सपना कर लेंगे दोस्तों। इतना करना दोस्तों आपको सिंपली दे सकते हैं, मेरा बैकग्राउंड वाला यह इमेज मैंने खींचा था तो यही दे सकते हैं, कुछ प्रकार से वीडियो नहीं दोस्तों, यह इमेज है तो आपको इसे सिंपली बड़ा कर लेना है, यहाँ से क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। उसका दोस्तों आपको सिंपली करना है, जो अपना वीडियो दोनों शूट किए थे जो अलग करके सेव किए होंगे वहाँ पर, तो आपको वाला वीडियो ले लेना दोस्तों, आपको वाला वीडियो ले लेंगे, लेयर में जाना दोस्तों, ठीक है। तो आप लेयर में जाएंगे, लेयर में जाना दोस्तों आपको मीडिया जाना दोस्तों, मीडिया जाने के बाद जहाँ अपना वीडियो सेव किए होंगे वहाँ से ले लेंगे। जैसे मैं जाकर यहाँ से ले रहा हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं ले चुका हूँ वीडियो अपना, यहाँ पर देख सकते हैं किसी पास मैंने सेव किया था। तो आप देख सकते हैं पहले इस साइड वाला वीडियो लेंगे, चार इस साइड वाला लेंगे दोस्तों, जो अगर आप इस साइड में किए हैं तो आपको सिंपली पहले वीडियो क्लिक करना, क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाला बॉक्स वाला आइकन दिखेगा, तो ठीक, तो आपको सॉरी सिंपली ही आपको इस पर क्लिक करना, क्लिक करते दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे दिया है दोस्तों, अगर आपने इस साइड किया तो इस साइड वाला, अगर उस साइड किया तो उस साइड वाला, तो मैं पहले इस साइड में किया हूँ दोस्तों, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है ये वाला आपका वीडियो, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर हाफ हो गया है, उसका दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना सही साथ, तो उसका दोस्तों आपको वाला वीडियो लेना है दोस्तों, जो अपना दूसरा वाला लिया है जो इस साइड में किया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको वाला वीडियो ले लेना है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ से फिर से लेयर में जाना दोस्तों, आपको लेयर में जाना दोस्तों, आपको मीडियम जाना दोस्तों, मीडियम जाने के बाद दोस्तों जहाँ भी अपना वीडियो सकेंगे वहाँ से ले लेंगे, जैसे मैं यहाँ जाकर ले रहा हूँ दोस्तों, यही मेरा वीडियो है, ठीक है। अब इसे पूरा सुन लेंगे तो मैं इसे अच्छे से क्रॉप कर लेता हूं दोस्तों, पहले आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। क्लिक करते दोस्तों आपको इस वाले वीडियो पर यहां पर सॉरी इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना, क्लिक करके देखते हैं हाफ हाफ हो गया है, तो आपको सिंपली से माइनस कर लेना दोस्तों, ठीक है। आप अच्छे से माइनस कर सकते हैं दोस्तों बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इतना करना दोस्तों आप देख सकते हैं मैं माइनस कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं एक ही बैकग्राउंड पर आपका वीडियो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं बड़ी आसानी से आप ये वाला वीडियो बना सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो तैयार होगा, ठीक। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है दोस्तों, बीच में कोई भी प्रकार का जो लाइनिंग होता है नहीं दिखा रहा है दोस्तों, दिखा है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका होगा, जहाँ से आप यहाँ से गिरे हैं दोस्तों, देखते हैं ये आपको पहले ये वाला वीडियो आपको लेकर दिखा दिया दोस्तों, तो आपको सिंपली जब ये बस यहीं पर आपको एक अपना फोटो लेना दोस्तों, देखते हैं जब इस तरह हो तो आपको सिंपली ही फोटो लेना है। तो मैं यहां से आपको सिंपली आपको इस वाले वीडियो क्लिक करना, क्लिक करते दोस्तों आपको यहां कुछ इस प्रकार का आइकन दिखेगा, तो फोटो खींचना पहले बताया था दोस्तों, तो आप फोटो अपना खींच लेंगे, तो आप देखते हैं यहां कुछ इस प्रकार आइकन है, तो इस पर क्लिक करना, क्लिक करेंगे आपको सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करना, चार ऑप्शन में सबसे ऊपर वाले पर आपका फोटो खींच हुआ है। तो आपको ले चलते हैं अपने बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन, जो मैंने बताया था कि बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन चाहिए तो आपको उसमें जाकर इसका बैकग्राउंड इरेज करना दोस्तों, ठीक है। ताकि अपने हम बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में चलते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं अपने बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में, तो आपको सिंपली लोड ऑफ फोटो क्लिक करना, क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ फोटो दिख जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना, क्लिक करते दोस्तों आपका ये आएगा, तो आपको यहाँ मैनेज करना है दोस्तों, मैनेज कर लेंगे, डन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ 5-6 टूल दिए गए हैं दोस्तों, तो आप इससे बड़ी आसानी से अपना बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ दोस्तों, तो आप इसी प्रकार से बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं पहले से कर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों आपको मैं बताने के लिए दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसी तरीके से अपना जो है बैकग्राउंड भी इरेज कर लेंगे दोस्तों, देखते हैं इस प्रकार से हमारा बैकग्राउंड इरेज हो रहा है दोस्तों, तो आप भी इसी प्रकार से कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताने के लिए किया था, तो अगर थोड़ा बहुत वीडियो बड़ा हो जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ इससे, ठीक है। तो आपको मैं पहले दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा ही, ठीक। आप इसी प्रकार से अपना बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ इस बार से हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के अंदर ही दोस्तों, देखते हैं कुछ बार से हमारा बैकग्राउंड डूब चुका है, तो आपको सिंपली इसे सेव कर लेना है, सेव करते हैं दोस्तों, देखते हैं सेव हो चुका है। सेव करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा कि अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन खोलते हैं दोस्तों, वहीं बताता हूँ किस प्रकार से आप फिट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं फिर से अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में, काइनमास्टर एप्लीकेशन आया दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना दोस्तों कि आपका जहाँ से फोटो आपने खींचा था उसका फोटो और बैकग्राउंड इरेज किए हैं दोस्तों, वाला फोटो आपको लाकर यहीं पर लगा देना दोस्तों, ऐड कर देना इस पर, ठीक है। आपको सिंपली इस पर ऐड करने के लिए दोस्तों आपको लेयर में जाना दोस्तों, लेयर में जाना दोस्तों मीडियम जाएंगे, मीडियम जाने दोस्तों जहाँ भी अपना वीडियो जो है कि सॉरी फोटो सेव किए होंगे वहाँ से ले लेंगे, देखते किया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड भेज कर सकते हैं, आपको इस पर सिंपली लाकर ऐड कर देना दोस्तों, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगना दूसरा कोई है, तो आपको वीडियो जैसा ही लगना चाहिए, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो चुका है, ठीक है। आपको सिंपली इसे क्रॉप कर लेना छोटा सा, ठीक है, जहाँ देख सकते हैं यहाँ निकल चुके हैं, देख सकते हैं ये बस दोस्तों, ठीक है। तो आपको सिंपली इसे क्रॉप करके छोटा कर लेना है दोस्तों, इतना करना दोस्तों। आपको क्या करना हो दोस्तों, जहाँ से अपना ये जो दूसरा वीडियो दोस्तों, तो आपको सिंपली ही लगा देना दोस्तों, जहाँ से आप देख सकते हैं गिरे हैं दोस्तों, ठीक, जहाँ से फ़ोटो खींचे हैं वहीं के जस्ट 1 सेकेंड बाद, थोड़ा सेकेंड के बाद ही अपना ये वाला नीचे वाला जो छोटा वाला वीडियो है दोस्तों, इस साइड वाला आपको लगा देना, देख सकते हैं मैंने लगा दिया दोस्तों पहले से ही, तो आपको वाला फोटो भी लगा देना, फोटो लगाना दोस्तों आपको फोटो क्लिक करना होगा, फोटो क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ चाबी का आइकन दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो चाबी आइकन क्लिक करेंगे,
क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको पहले इसे शुरुआत में जाना है। यहाँ चाबी के क्लिक करते हैं, शुरुआत में जाएंगे दोस्तों। इसे जो फोटो है दोस्तों, आपको सिंपली स्लाइड करके यहाँ पर लाना है दोस्तों। देखते हैं बस यहीं पर जहाँ से निकले हैं दोस्तों, बस यहीं पर ला देना है। सॉरी दोस्तों, ठीक है, तो आपको इसे बढ़ाकर थोड़ा सा ला देना है दोस्तों। ठीक है, ला देते हैं, हो चुका है उसका दोस्तों। आपको फोटो क्लिक करना है, यहाँ पर फोटो क्लिक करना है दोस्तों। आपको यहाँ पर इस वाले आइकन में क्लिक करके यहाँ पर फाइड पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, इतना करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो बनेगा। फिर से यहाँ पर भी इस वाले फाइड पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं इन दोनों पे जो है कि आपको क्लिक करके फाइड पे कर लेना है दोस्तों। तो आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। तो आपको इसी प्रकार से यही रूल फॉलो करके ये वाला वीडियो बना लेना है दोस्तों अपना। ठीक है, तो आपको मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से हमारा वीडियो बन चुका है दोस्तों। आपको वही रूल्स फॉलो करना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैं प्ले करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से हमारा वीडियो बना दोस्तों। तो आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो बन चुका है दोस्तों। तो आपको सिंपली वही रूल्स फॉलो करना है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। आपको सिंपली फोटो क्लिक करके बस कर देना। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमारा वीडियो बन चुका है। तो देखते हैं बीच में कोई किसी प्रकार का लाइन नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार से अपना वीडियो बना सकते हैं दोस्तों बड़ी आसानी से ही दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। ठीक है, तो आज की वीडियो मस्त नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर कोई भी परेशानी दोस्तों, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी परेशानी हो आपको, वो परेशानी आपको बताइए, हमको आपको मैं उसका सुझाव या सोल्यूशन दूंगा दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो मस्त नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है।